अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रबाब रिज़वी। आप लोग देख रहे हैं फ्यूजन कुकिंग विद शेफ रबाब रिज़वी। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन चाउमीन। आए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। नमक, हरी प्याज स्ट्रेट बारीक चॉप, बंद गोभी स्ट्रेट चॉप, शिमला मिर्च स्ट्रेट चॉप, गाजर स्ट्रेट चॉप, ऑयल, ऑस्टर सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, केचप, जूलियन कट चिकन, वाइट पेपर, हरी मिर्चें बारीक चॉप, चीनी एक चम्मच, एक अंडा, चिकन पाउडर, लहसुन, कॉर्नफ्लोर, प्याज चॉप, एग नूडल्स। हमने पानी गर्म करने रख दिया, हम एग नूडल्स को उबाल लेते हैं। 3 से 4 मिनट तक पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे ताकि हमारे नूडल्स स्टिक ना हो। एक सीना जो हमारा जूलियन करता है, इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारे सॉस में भी नमक होगा। 1/2 टेबल स्पून वाइट पेपर, 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चीनी, 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 अंडे को फेंट के, अंडे की सफ़ेदी को फेंट के, जर्दी नहीं डालेंगे, सिर्फ सफ़ेदी डालेंगे। इसे मैरिनेट करके 5 मिनट के लिए रखेंगे और जब तक ये मैरिनेट हो रही है हम अपने ऑयल डाल के ऑयल के अंदर जो है हम प्याज ब्राउन कर लेते हैं और लहसुन अदरक ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है, 2 टेबल स्पून हमारे पास प्याज है, 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/2 टेबल स्पून और सॉसेस और केचप बाद में डालेंगे। अच्छा, ये हमारी फ्राई होने शुरू हो गया। अब हम इसके अंदर लहसुन डाल के भी, 2 टेबल स्पून लहसुन है, इसे डाल के भी फ्राई कर लेंगे ताकि इसके साथ साथ लहसुन भी गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ ही हमारी ब्राउन होने शुरू हो गए। अब हम इसके अंदर अपनी चिकन डाल लेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी है। आपको ऑयल कम लगे तो ऑयल और डाल सकते हैं। ये चिकन हमारी फ्राई हो चुकी है अच्छे से। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून केचप, अगर आप लोग ज़्यादा केचप खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। यहाँ हमारी वेजेस अच्छे से हो गई हैं, देख सकते हैं वेजेस का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब हमने जो एग नूडल्स उबाली थी
वो डाल देंगे हम इसके अंदर। और अच्छे से मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। देख सकते हैं आप लोग, हमारे चिकन चाउमीन रेडी हो चुका है। कितना टेस्टी, कितना यमी सा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।